सरकार के पी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के लिए सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, सेकंड है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, थर्ड है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, फोर्थ है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिप्रेरणा जो सिद्धांत है वो एक शिक्षक के सीखने के संवर्धित करता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षा रखता है और सीखने को संबंधित कर सकता है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दोनों को प्रभावित करती है, इसीलिए इसके ने अभिप्रेरणा को सीखने का रोजमर्रा कहा गया, सॉरी राजमार्ग कहा है, मिस्टर क्या राजमार्ग कहा है स्किनर जी ने। तो आंसर इज द करेक्ट वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। हाथ में विकास शुरू होता है, फर्स्ट ऑप्शन उत्तर वाले अवस्था से, सेकंड है प्रसव अवस्था से, थर्ड है शैशव अवस्था से, फोर्थ है पूर्व वाले अवस्था से। यहाँ पे बात हो रही है विकास शुरू होता है, तो यहाँ पे विकास जब शुरू होता है वो हमारा प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, जो कि गर्भ धारण से स्टार्ट हो जाता है। जो कि रॉस महोदय ने बताया था कि विकास की चार अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और पूर्वावस्था। तो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकंड, प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। बहुबुद्ध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ों और पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि, सेकंड है प्रकृतीय बुद्धि, थर्ड है भाषिक बुद्धि या भाषिक बुद्धि, फोर्थ है स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत किसके अनुसार या सभी प्रकार के पशु वस्तुओं पेड़ पौधों को पहचानने की जो पहचानने की वर्गीकृत करती है वह कौन सी बुद्धि कहलाती है। जैसे कि अभी बात करेंगे जो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, उन्होंने बताया कि पशुओं खनिजों पेड़ पौधों आदि को प्रकृति तत्वों को पहचानने के लिए या करने की योग्यता प्रकृति बुद्धि कहलाती है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा प्रकृति बुद्धि के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकेंड, प्रकृति बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन देखेंगे अगला, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि और सजातीय भिन्नताओं, सेकेंड है बुद्धि के वितरण, थर्ड है बुद्धि की वृद्धि, फोर्थ है बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि जो होती है वो औसत होती है, मतलब सामान्य होती है, बहुत कम तो प्रतिभाशील लोग होते हैं और बहुत कम लोग जो होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं। तो यह कथन कैसा है, किस पर आधारित है, क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे कि आप बात करते हैं बुद्धि के वितरण प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार लगभग 70% से कम व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धांक होता है या 90 से 100 के लगभग होता है, मध्य होता है, जो कि सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, 70% वाले जो बच्चे आते हैं वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, और 15% जो लोग होते हैं वो 110 से अधिक होते हैं, वो हम उन्हें कह सकते हैं उनका बुद्धि लब्धांक होता है जो कि 90 से कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ही करेक्ट हो जाएगा हमारा बुद्धि के वितरण, क्योंकि इस प्रकार की बुद्धि जो बटी हुई होती है या वितरित होती है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं। में सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण
विद्यार्थियों की मदद करती हैं। इससे फर्स्ट अपने गहन प्रतियोगिता होती है, सेकंड है उच्च नैतिक विकास होता है, थर्ड है समूहों में द्वंद होता है, फोर्थ है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि सहयोगी जो अधिगम होता है, अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या होता है। तो जैसे क्वेश्चन बात कर दिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक उम्र के जो प्रवीण विद्यार्थी जो होते हैं, कम अकुशल विद्यार्थियों को सहयोग अधिगम से समाजीकरण के साथ साथ उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहां पे सेकंड, सॉरी फोर्थ हो जाएगा, माफ कीजिए, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ब्लैक नोट प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आते हैं आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कथन कहलाता है। फर्स्ट अपने अधिगम का शून्य स्थानांतरण, सेकंड है अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, थर्ड है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, फोर्थ है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि जब कोई चीज़ पूर्व में सीखी गई है और नई स्थिति में सीखने के लिए बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है तो यह कैसा अधिगम है, क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करती है कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ पहले सीखी गई है और नई स्थिति में किसी के कार्य नहीं आ रही है, काम में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे शून्य अधिगम स्थानांतरण हो रहा है। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक गतिविधि, सेकंड है मनोगतिविधिक प्रक्रिया, थर्ड है मनोवैज्ञानिक परिघटना, फोर्थ है भावात्मक व्यवहार। तो यहाँ पे चिंतन के बारे में पूछा गया, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है। तो जैसे चिंतन के बारे में बात करते हैं, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, सेकंड है मुख्य रूप से शिक्षक से, थर्ड है व्यक्तिक रूप से, फोर्थ है समूह में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला रहा है जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है सामान्यतः किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं। तो जैसे कि हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा विशेष प्रकार जो बल देती है, जो कि बच्चों को ज्ञान की संरचना करना और उनके अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का कक्षा का वातावरण बनाना या होना चाहिए, इससे सामान्यतः बच्चे व्यक्तिक और समूह या सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है या किया जाता है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिक्षण, सेकंड है समायोजन, थर्ड है समावेशन, फोर्थ है स्कीमा। तो यहाँ पे प्याजे की संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो वो संज्ञानात्मक अधिगम संरचना जो संशोधित होती है वो क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप बात करते हैं, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह प्रक्रिया समावेशन कहलाती है। तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारे यहां पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इससे को बढ़ावा मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुनर्वलन को, सेकंड है ज्ञान के सह संबंध अंतरण को, थर्ड है व्यक्तिगत भिन्नता, फोर्थ है शिक्षार्थी स्वेच्छा। तो एक शिक्षिका है, वो अपनी कक्षा में क्या करती है, अपने विद्यार्थियों के साथ सदैव एक विषय क्षेत्र को दूसरे विषय क्षेत्र से जोड़ देती है, तो उससे क्या बढ़ावा मिलता है, क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि इस प्रकार से एक विषय से दूसरे विषय को जोड़ने पर, एक दूसरे के साथ जोड़ने से दोनों विषयों को ज्ञान का सह संबंध का अंतरण होता है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकंड, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है मॉडलिंग, सेकंड है अनुकरण, फोर्थ है अभिसारी चिंतन, फोर्थ है अपसारी या बहुविध चिंतन। तो यहाँ पे सृजनात्मक या क्रिएटिव से पूछा गया है। क्रिएटिव बच्चे भी होते हैं जो नई नई चीजें करते रहते हैं, या जैसे बता कह सकते हैं सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित होती है, क्योंकि सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार रूप से उत्पन्न करते हैं या योग्यता रखते हैं। तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग फोर्थ वाला अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा, बड़ा कर लेंगे इसे। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक, सेकंड है अनुभाविक, फोर्थ है आंतरिक, सॉरी थर्ड है आंतरिक, फोर्थ है बाह्य। तो इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी है वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, तो उसके प्रवेश के लिए वो क्या करता है, उसकी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। तो जो विद्यार्थी है वो कुछ से अभिप्रेरित है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, जब कोई बच्चा इस प्रकार की क्रिया या कार्य करता है तो स्वयं की इच्छा से करता है और इस कार्य को करने के लिए वह सुख व संतोष प्राप्त करना चाहता है या होता है, तो वह आंतरिक रूप से क्या अभिप्रेरित होता है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा आंतरिक, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। फर्स्ट ऑप्शन सीखने के गतिक क्षेत्र, सेकंड है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, थर्ड है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, फोर्थ है सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो यहाँ पे व्यवहार के पक्ष में पूछा रहा है, व्यवहार करना किसके पक्ष में आता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, व्यवहार करना सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, क्योंकि व्यवहार का देखना अवबोधन करना है, समझना है और अंतर्निहित करना ही संज्ञान है। क्योंकि सीखने से क्या है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा यहां पे थर्ड, सीखने के संज्ञान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, थर्ड है सॉरी सेकंड है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, थर्ड है विद्यालय का नाम रोशन करने, फोर्थ है अभिभावक को संतुष्ट करने। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला गया है कि विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियाँ होती हैं जो कि विद्यालय पत्रिका में निकाली जाती है, के लिए है, किसके लिए है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा रहा है। तो जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे, यह सृजनात्मक नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन को परंपरागत तरीके से अठाकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता है, जो कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए विज्ञान व कला प्रदर्शनियां, संगीत व नृत्य में प्रस्तुतियां देने से विद्यालय प्रतियोगिता आदि उनके कौशल का विकास करती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन माध्यम वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। फर्स्ट ऑप्शन है सॉरी जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि, यह सिखाने के किस आयाम को उजागर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, सेकेंड है मनोरंजन द्वारा अधिगम, थर्ड है भाषा निर्देशित अधिगम, फोर्थ है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियां करती है या व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा है, समूह परियोजना है, भूमिका निर्वाह है आदि, ये सीखने के किस प्रकार के आयाम को उजागर करता है, क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्माण, ऐसी गतिविधियों सीखने की सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम को दर्शाता है, क्योंकि इस प्रकार की जो गतिविधियां आदि शिक्षार्थियों में सामाजिक क्रिया का कौशल का विकास करती हैं। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें साथ ही साथ में।
जब एक शिक्षिका दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न कर रही है, सेकंड है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, थर्ड है सभी विद्यार्थियों में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, फोर्थ है दृष्टि बाधित विद्यार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो जैसे क्वेश्चन बुलाया जा रहा है कि एक शिक्षिका है और उसकी क्लास में दृष्टि बाधित कुछ बच्चे हैं तो उनके लिए वो क्या कर रही है, कक्षा में उन्हें सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो किस प्रकार की वो कार्य कर रही है या गतिविधि कर रही है, तो वह एक समावेशी कक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो आंसर ये करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट, सॉरी सेकंड हो जाएगा, माफ कीजिए सेकंड आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और सारे गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वे शिक्षक को आराम देते हैं, सेकंड वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, थर्ड है वे शिक्षार्थियों को व्यवहार उपलब्ध कराते हैं, फोर्थ है इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग करने को संवर्धित करता है। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका है अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों को शामिल कर रही है तो जो शारीरिक गति है और गतिविधियों का जो प्रयोग करती है क्यों है ऐसा, ये क्यों करती है, क्यों कर रही है इस प्रकार के कार्य या इस गतिविधि करने का कारण क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि यहां पर बात करते हैं कोहलबर्ग के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री आंख व कान के साथ साथ कार्य करती है क्योंकि ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिसकी वजह से इस वजह से अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सीखने को संबंधित करता है। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारा इसमें फोर्थ, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने से या सीखने को संबंधित करना या करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है संयोग की नैतिकता, सेकंड है नैतिक तर्कड़ा, थर्ड है नैतिक यथार्थवाद, फोर्थ है नैतिक दुविधा। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है कोहलबर्ग के अनुसार सही व गलत प्रश्नों के बारे में शामिल चिंतन प्रक्रिया का कहा जाता है, तो हम कोहलबर्ग की बात करते हैं, कोहलबर्ग के सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहा गया है। आंसर ये करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकंड, नैतिक तर्कणा। अगला क्वेश्चन देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन के माध्यम आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के रूप के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, इस विद्यार्थी में सहायता की आवश्यकता है, फर्स्ट ऑप्शन है भावात्मक क्षेत्र, सेकंड है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, थर्ड है संज्ञानात्मक क्षेत्र, फोर्थ है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। कोई विद्यार्थी है जो कि अपने समकक्ष विद्यार्थियों या व्यक्ति समूहों के प्रति क्या आक्रामक व्यवहार करता रहता है और विद्यालय के मानदंडों या नियमों को नहीं मानता है, तो इस प्रकार की विद्यार्थी की सहायता करना आवश्यक है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करती है, इस प्रकार का विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यवहार के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए हमें संवेगात्मक अस्थिरता को दर्शा रहा है, ऐसे विद्यार्थियों को भावात्मक क्षेत्र में सहायता करने की आवश्यकता है। आंसर इज करेक्ट होगा यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है, फर्स्ट ऑप्शन है दुष्संचता, दुष्चंता, सेकंड है सामाजिकरण, फोर्थ थर्ड है मूल्य द्वंद, फोर्थ है आक्रमिकता। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों की सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने में सुगम बनाने और अतिरिक्त में भी सहायता करती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी बात करते हैं कि विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियां कराने से या शामिल करने से सुगम बनाता है जो कि सामाजिकरण भी होता है क्योंकि इससे या इसके द्वारा विद्यार्थी में उसके समूह मानकों के द्वारा वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। तो आंसर इज करेक्ट हो जाए हमारे यहाँ पे सेकंड, सामाजिकरण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं,
समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। सेकंड है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। सेकंड है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। थर्ड है, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। फोर्थ है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है, समावेशी कक्षा उस विद्यालय व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो कौन सी की ओर संकेत करती है, क्वेश्चन में देखते हैं कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो कि उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या विभिन्न गतिविधियां या योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो आंसर द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। हाथ में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधी कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है आंखों का रंग, सेकंड है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, थर्ड है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, फोर्थ है चिंतन पैटर्न। तो यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा गया है कि कौन सा संबंधी कारक है अनुवांशिक से संबंधित। जैसे कि हम बात करते हैं जिन में आंखों का रंग अनुवांशिक संबंधी कारक है जो कि या जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष या व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, क्या ये क्या चिंतन प्रक्रिया या वातावरण का संबंधी कारक है। बाकी तीनों ये क्या हमारे सामाजिक है, समकक्ष है और चिंतन पैटर्न हमारे वातावरण की, और आंखों संबंधी जो कारक रंग है जो हमारा वो अनुवांशिक संबंधी कारक है। आंसर करेक्ट होगा हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय की ओर संकेत करती हैं। फर्स्ट अपने योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, सेकंड है विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, थर्ड है उनके ज्ञान की सीमा, फोर्थ है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों को अध्ययन जानना चाहिए क्योंकि वे प्राय किसकी ओर संकेत करती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की ओर त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं जिससे कमजोर विद्यार्थियों में व्यक्तिगत परामर्श और अध्ययन संबंधी अवांछनीय आदतों का विकास किया जा सकता है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा वहां पे आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां, फोर्थ आंसर हो जाएगा वहां पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत की ओर दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक भिन्नता, सेकंड है अंतः संबंध, थर्ड है निरंतरता, फोर्थ है सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है एक छात्रा है सीमा और एक छात्रा है लीना, जो कि सीमा है किसी पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि लीना किसी पाठ को थोड़ा देर से सीखती है, समय लेती है सीखने में। तो यह किस सिद्धांत को दर्शा रहा है, क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा रहा है। तो विकास के स्वरूपों की अगर बात करते हैं, विकास का जो व्यापक व्यक्तिगत भिन्नता की ओर दर्शा रहा है, यह एक आयु या दो बालकों या दो बालिकाओं के बीच में हो सकता है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? सेकंड है पौष्टिकता की गुणवत्ता, फर्स्ट है पौष्टिकता की गुणवत्ता, सेकंड है संस्कृति, थर्ड है शिक्षा की गुणवत्ता, फोर्थ है शारीरिक गठन। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसके अतिरिक्त इन्वायरमेंट या वातावरणीय कारक को आकार देते हैं, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं पौष्टिकता की जो गुणवत्ता है संस्कृति है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है जो वातावरणीय कारक संबंधी कारक हैं जो इसमें से एक है बालक के विकास को दिशा का निर्धारण करते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ, और ये सारे संगठन आनुवंशिक संबंधी कारक हैं जो कि बालक के विकास की दिशा का निर्धारण करते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्थ वाला, सारे संगठन किसा कैसा हमारा जो कि आनुवंशिकता की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य निराशा या कुंठा का सामना करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दूसरों के साथ
संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। सेकेंड है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। थर्ड है प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ाने की अक्षमता। फोर्थ है खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि श्रवण मतलब सुनने में मतलब सुन ही मतलब सुन नहीं सकते, उन बच्चों की बात की जा रही है, बच्चे वो ग्रसित हैं तो किस प्रकार से बच्चे वो कुंठा या उसका सामना करते हैं, क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि हमें जो बच्चे नहीं सुन सकते हैं तो जैसे बात करते हैं तो ऐसे जो बच्चे हैं वो दूसरों को संप्रेषण करने में सूचनाओं को बांटने में असमर्थता महसूस करते हैं क्योंकि इस कारण उन्हें दूसरों को सम्मुख कुंठा का सामना करना पड़ता है। तो आंसर इधर करेक्ट हो गया हमारे यहाँ पे फर्स्ट, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनने, सेकंड है पढ़ने, थर्ड है बोलने, फोर्थ है सुनने व बोलने या बोलने व सुनने। जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा गया डिस्लेक्सिया किस से संबंधित है। डिस्लेक्सिया एक विकार होता है, ये बोल सकते हैं पढ़ने संबंधी विकार होता है। तो आंसर क्या करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे सेकंड, पढ़ने संबंधी से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, फर्स्ट ऑप्शन है बार बार उनकी परीक्षाएं होगी, सेकंड है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, थर्ड है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, फोर्थ है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं छात्र हैं उनकी क्षमता को विकसित किया पाएंगे या जा सकता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं प्रतिभाशाली वाले बच्चों के में कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक को या बोल सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अन्य विद्यार्थियों के साथ करनी चाहिए जिससे इन विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने का भरपूर अवसर उपलब्ध हो या मिलता रहे। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, फर्स्ट ऑप्शन है लैंगिक समानता, सेकंड है सामाजिक उत्तरदायित्व, थर्ड है लैंगिक पूर्वाग्रह, फोर्थ है लैंगिक संवेदनशीलता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है। जैसे कि अभी बात करते हैं कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को लैंगिक पूर्वाग्रह से बचना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं में विशिष्टता होती है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे थर्ड, लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, थर्ड है संवेदी प्रेरक चरण, फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक चरण। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में जो चरण वस्तु स्थायित्व की अवस्था आती है वो किस में प्रस्तुत होती है। तो जैसे कि आप ये बात करते हैं प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में चार भागों बांटा गया है। जैसे कि बात करते हैं पहली आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 से 7 वर्ष या चरण में बांटा गया है जो कि प्रत्यात्मक विचार विकसित करती है और इसमें इसी अवस्था में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है और बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाओ इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चरण में वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है जिन प्याजी के अकॉर्डिंग। दोस्तों सेशन यहां पर यहीं समाप्त होता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन आते आपको वीडियो मिलती रहेंगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट समय। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।